गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक अब हम लोग एमएस वर्ड ओपन कर में शुरू करते हैं। देखिए एमएस ऑफिस हार्डवेयर की क्या क्या आवश्यकता पड़ती है जब हमें एमएस ऑफिस इंस्टॉल करना है और उसकी एक्टिविटीज क्या है, मीन्स एमएस ऑफिस हार्डवेयर रिक्वायरमेंट एंड ऑफिस एक्टिविटीज, इस बारे में चर्चा करते हैं। देखिए ये मैंने आपको समझने के लिए एक स्लाइड लगाया है बनाया है। देखिए एमएस ऑफिस 2013 माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट का नया वर्जन है, ठीक है, जो विंडोज 8 या इसके बाद जो संस्करण में वर्जन है ना उस पर चलाया जाता है। इसे विंडोज एसपी और विंडोज डिस्टा पर नहीं चलाया जाता है। कौन सा? एमएस ऑफिस 2013 ऑफिस लेवल 2013 है या उसके वाला आगे की है। अब एमएस ऑफिस जो आपकी जो हार्डवेयर जो है क्या क्या हो सकता है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कंप्यूटर एंड प्रोसेसर। कम से कम 1 GHz का प्रोसेसर होना चाहिए या उससे ज्यादा फास्टर X86 और 64-bit प्रोसेसर आपका होना चाहिए, सबसे मेन हो सकता है 1 GHz या उससे फास्टर X86 या X64-bit प्रोसेसर आपके पास होना चाहिए। कम से कम मेमोरी आपकी 1 GB रैम होनी चाहिए या 2 GB रैम, 64-bit की यदि 2 GB रैम है और 1 GB 34-bit। आपके पास हार्ड डिस्क, इसको इंस्टॉल करने के लिए आपके पास 3 GB हार्ड डिस्क आपकी अवेलेबल होनी चाहिए, कितने 3 GB। डिस्प्ले कार्ड आपके पास होना चाहिए जिसमें ग्राफिक्स हार्डवेयर लेटर रिक्वायर और डायरेक्ट X10 ग्राफिक्स कार्ड होना चाहिए और 1024x576 उसका रेजोल्यूशन होना चाहिए डिस्प्ले कार्ड का। ऑपरेटिंग सिस्टम आपके कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, विंडोज 8 हो, 8.1 हो या विंडोज 10 हो, 8X हो या 7 सर्वर 2012 या 2008 जो हमारे जो सिस्टम है, जो भी आपका सिस्टम है इसमें आपका विंडोज 10 लोड है। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में हम लोग वर्क कर रहे हैं, ओके। ब्राउजर क्या कौन सा होना चाहिए, इंटरनेट एक्सप्लोरर ये 8 या इससे लेटेस्ट या फायरफॉक्स या उससे लेटर सफारी क्रोम 17X होना चाहिए। .NET वर्जन 3.5, 4.0 या 4.5 होना चाहिए। मल्टी टच, किसी भी मल्टी टच का क्षमता के लिए एक टच डिवाइस की आवश्यकता होती है, लेकिन सभी सुविधाएं और कार्य क्षमता कीबोर्ड माउस या अन्य जो आपके मानक है सुलभ इनपुट डिवाइस का उपयोग करके उपलब्ध होती है। विंडोज 8X के साथ उपयोग के लिए नई टच सुविधाओं के अनुकूल इसको बनाया गया है, ठीक है। एडिशनल रिक्वायरमेंट एंड कंसिडरेशन, सिस्टम कंसिडरेशन के आधार पर कुछ कार्य क्षमता भिन्न हो सकती है, कुछ सुविधाओं के अतिरिक्त या उन्नत हार्डवेयर या सर्वर कनेक्टिविटी की भी हमको आवश्यकता हो सकती है। ये हमारे हार्डवेयर रिक्वायरमेंट है एमएस ऑफिस 2013 के लिए। अब देखिए मॉडर्न ऑफिस एक्टिविटीज क्या है, मीन्स मॉडर्न ऑफिस जो आपकी गतिविधियां हैं वो आपकी क्या है, इनकमिंग और आउटगोइंग मेल किस को संभालता है, ऑफिस सिस्टम जो होता है प्रक्रियाओं को तरीकों को विकास किया गया है इसके माध्यम से, जो हमारे रिकॉर्ड होते हैं इसके रख रखाव मीन्स फाइलिंग और उसको हम लोग व्यवस्थित करते हैं, कार्यालय में आपको वर्क करता है, कार्यालय के फॉर्म स्टेशनरी आदि पर डिजाइन बनाई जाती है, कार्यालय जो वर्कर होते हैं
भर्ती और प्रशिक्षण इसके माध्यम से किया जाता है। फर्नीचर मशीन उपकरणों का आदि का रख रखाव इसके माध्यम से मेंटेन करते हैं हम लोग, ठीक है। और कुशल प्रभाव को बनाए रखता है, ठीक है। इसके माध्यम से हम लोग टेबल तैयार कर सकते हैं, डेटा इसमें व्यवस्थित कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं, आपको कुछ प्रेजेंटेशन करना है। अब जो आपका ऑफिस ऑटोमेशन सुइट होती है, ऑफिस ऑटोमेशन सुइट, ये क्या होता है? देखिए, ऑफिस में प्रोसेसर और कंप्यूटर के रूप में ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉन का उपयोग करने की विधि की प्रणाली होती है। देखिए, जैसे हम लोग ऑफिस मान लीजिए है, ठीक है, एक कोई ऑफिस है, उसके जो मूल कार्य है उसको पूरा करने के लिए हमको डेटा की जानकारी को डिजिटल रूप में बनाने के लिए, मीन्स अपने कंप्यूटर में स्टोर करने के लिए, डिजिटल रखते हो कंप्यूटर में जो आपकी इन्फॉर्मेशन है, कंप्यूटर में जो हम उसको डिजिटलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है, स्टोर करने के लिए, चेंज करने, प्रसारण करने के लिए उपयोग किया जाता है। जो आपका कच्चा डेटा होता है, भंडारण, इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण, इलेक्ट्रॉनिक व्यापार जानकारी आपका जो है इसमें शामिल होती है, ठीक है। कंप्यूटर जो आपके मान लीजिए आपका ऑफिस में कंप्यूटर है, उसको आपके नेटवर्क में फैला हुआ है, ठीक है, तो जो हमारे सर्वर हुआ उसमें इंफॉर्मेशन पूरी हमने स्टोर कर दिया, उसका डेटा वहां से हमको रिसीव करना है, डेटा स्टोर करना है, ठीक है, नेटवर्क पर डेटा को ट्रांसफर करने के लिए अनुमति देता है, टाइपिंग, फाइलिंग, मतलब कि फैक्स, माइक्रो क्लिप, रिकॉर्ड प्रबंधन, टेलीफोन, स्विच बोर्ड, संचार आदि कार्यालय के कार्य जो है इस श्रेणी में आते हैं। देखिये, 1970 और 1980 के दशक में डेस्कटॉप ऑटोमेशन एक लोकप्रिय शब्द था, क्योंकि डेस्कटॉप कंप्यूटर इसमें हम लोग यूज करते थे। ऑफिस ऑटोमेशन के क्या फायदे हैं? देखिए, ऑफिस जो आपको ऑटोमेशन है, कई कार्यों को तेजी से हम लोग पूरा कर सकता है, एक बड़े कर्मचारियों की आवश्यकता को समाप्त करता है, ये डेटा स्टोर करने के लिए आपको कम स्टोर की आवश्यकता पड़ती है। पहले जब पेपर वर्क होता था तो फाइलों को व्यवस्थित करके रखना पड़ता था, अब आपको फाइलों की व्यवस्थित करने की आवश्यकता नहीं है, आपने क्या किया, सिस्टम में अपना डेटा स्टोर कर दिया, वो आपका डेटा हार्ड डिस्क में स्टोर है, ठीक, और आपको ज्यादा स्थान नहीं लेता है। शेड्यूल के बदलाव की स्थिति में एक साथ हम लोग डेटा को अपडेट कर सकते हैं, कोई डेटा हमको फाइल को चेंज करना, अपडेट करना है तो एक क्लिक पे आपका डेटा अपडेट हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट का एक लोकप्रिय ऑफिस सूट है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक ऐसा पैकेज है जिसके द्वारा ऑफिस के सभी कार्य किए जा सकते हैं, ठीक है। हम जानते हैं ऑफिस में कई काम होते हैं, जैसे पत्र को लेटर तैयार करना, उसको प्रेजेंटेशन तैयार करना, डेटाबेस होता है उसको मैनेजमेंट करना, ईमेल भेजना, सभी कार्य को कंप्यूटर के माध्यम से करने के लिए सॉफ्टवेयर का पैकेज आपके माइक्रोसॉफ्ट ने तैयार किया है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है, यह आपका क्या है, एक समानता मार्केट सॉफ्टवेयर है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सर्वप्रथम सन 1989 में माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन द्वारा मैक ऑपरेटिंग सिस्टम से शुरू किया गया था। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए 1990 में प्रथम इसका वर्जन लाया गया। देखिए, अब प्रमुख आपके इसमें कुछ सॉफ्टवेयर है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज में प्रमुख सॉफ्टवेयर है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये जो हमने आपने आपको दिया ये आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस हो गया, माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर हो गया, माइक्रोसॉफ्ट लिंक, माइक्रोसॉफ्ट वन नोट, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, माइक्रोसॉफ्ट इंफोपार्ट डिजाइन, माइक्रोसॉफ्ट स्काई ड्राइव प्रो 2019। ये आपके जो प्रमुख सॉफ्टवेयर है जो माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस में पैकेज के अंतर्गत आते हैं। अभी जो आपके सिलेबस में पीसी पैकेज के अंतर्गत आपको तीन पढ़ने, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड,
माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, वर्ड एक्सेल और पावर पॉइंट, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक्सेल और पावर पॉइंट। अब देखिए, अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 की क्या विशेषताएं हैं, उपयोगिता क्या है इसकी, कैसे इसमें हम लोग वर्क करते हैं, इसमें हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 एक आपका क्या है, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है, जो डॉक्यूमेंट बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। एमएस वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को हम एमएस वर्ड शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे, एमएस वर्ड बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एमएस वर्ड बोलेंगे। ठीक है, अभी हम लोग इस पर चर्चा कर रहे थे। और एमएस वर्ड माइक्रोसॉफ्ट 2013 को हम लोग क्या बोलते हैं, एमएस वर्ड कह सकते हैं। एमएस वर्ड हमको अपने डॉक्यूमेंट को व्यवस्थित रूप से व्यवस्थित करने के लिए लिखने में सहायता प्रदान करता है। एमएस वर्ड की सहायता से हम लेटर, रिज्यूम आदि बना सकते हैं। इसके लिए हमारे पास टेम्पलेट फीचर्स होता है, बहुत ही उपयोग में होता है। हमको कोई रिज्यूम बनाना है, इसमें हम लोग टेम्पलेट्स का यूज करके या ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स के द्वारा एमएस वर्ड 2013 में डॉक्यूमेंट्स हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही जो आपका एमएस एक्सेल होता है, एमएस एक्सेल चूज अ टेम्पलेट, ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स की अपेक्षा टेम्पलेट का उपयोग करके हम नया डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि एमएस वर्ड में टेम्पलेट्स में कई प्रकार की टर्म्स और स्टाइल का प्रयोग कर सकते हैं। हमको क्या करना पड़ता है, बस कंटेंट को सिर्फ जोड़ना पड़ता है टेम्पलेट्स के माध्यम से। क्या करना पड़ता है, टेम्पलेट्स को जोड़ना पड़ता है। प्रत्येक बार जब भी हम एमएस वर्ड शुरू करते हैं तो गैलरी से टेम्पलेट ऑप्शन को हमको क्या करना पड़ेगा, चुनना पड़ेगा। इसमें शामिल टेम्पलेट्स को देखने के लिए कैटेगरी पर क्लिक करके या ऑनलाइन मोर टेम्पलेट्स पर हम क्लिक करके सर्च कर सकते हैं। एमएस वर्ड में पहले से बहुत सारे टेम्पलेट्स उपलब्ध होते हैं। क्या होते हैं, बहुत सारे आपके टेम्पलेट्स उपलब्ध हैं। अभी मैं आपको इसमें दिखाऊंगा, जिसे इसको बंद किया, जिसे हमने यहाँ पे दिया, एक नया बनाना है। दिख रहा है आपको, ये आपका अवेलेबल टेम्पलेट्स जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, ये आपके टेम्पलेट्स बने हुए हैं। ये office.com टेम्पलेट्स, ऑनलाइन टेम्पलेट्स आपको यहां से मिल जाएंगे। ये देखिए, आपको कोई रिज्यूम बनाना है, ये देखिए मैंने इस पर क्लिक किया, ये सीधे आपके मोड कैटेगरी पे जैसे कि आई देखिए, ये सब आपको मिल जाएंगे। देख रहे हैं, एजुकेशनल आपके टेम्पलेट्स जिसको हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए, बड़ा कर देते हैं तो आपको समझ में आएगा। ये देखिए, ठीक है, वैसे एमएस वर्ड में पहले से कर आपको बताया दें, फिर भी हम टेम्पलेट्स के संतुष्ट यदि हम नहीं होते हैं तो हम अलग से टेम्पलेट इसमें या ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स में क्लिक करके, अभी आपने देखा उसमें ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स आ रहा था, हम उस पर क्लिक करके अपने हिसाब से उसको सेट कर सकते हैं। क्लियर है, आप एमएस वर्ड में कैसे काम करेंगे इसको हम आगे आपको बताएंगे। ठीक है, नया डॉक्यूमेंट आपको जितने मैंने आपको भी दिखा दिया, जैसे उसमें आपको बताया था, ठीक है, सेव करना आपको बता ही चुका हूँ, लेकिन एमएस वर्ड में कैसे सेव करेंगे उसका प्रिंट आउट कैसे निकालेंगे, इसमें हम लोग चर्चा आगे करेंगे। अब देखिए, इसी प्रकार से हम लोग एक्सेल में वर्क करते हैं। क्या करते हैं,
सेक्टर में वर्क करते हैं। देखिए MSFCEL 2013 एक आपका स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है, उसको बंद कर देते हैं। आपका एक्सेल क्या है? स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है जो हमारी जानकारी क्या करता है, स्टोर करता है, व्यवस्थित करने की करता है। एक्सेल कुछ लोगों द्वारा जटिल डेटा को मॉडिफाई करने के लिए उपयोग किया जाता है। कोई भी व्यक्ति आसानी से प्रोग्राम को शक्तिशाली जो उसकी जो सुविधाएं हैं उसका उपयोग करके हम उसमें वर्क कर सकते हैं। हम चाहे उसमें बजट एक प्रशिक्षण लागू कर सकते हैं, एक चालान बना सकते हैं। एक्सेल विभिन्न प्रकार के डेटा आपके डेटाबेस तैयार करने की सुविधा प्रदान करता है एक्सेल, ठीक है। इसके रिमोट आपके मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। ये देखिए गए, अभी मैं शॉर्टकट फॉर्म बता रहा हूँ आपको कैसे आपको एक्सेल दिखाई देता है। ये देखिए ये आपके एक्सेल शीट है, देख रहे हैं, ये आपके स्प्रेड शीट है। इसमें तीन शीट होती हैं, दो तीन, इसमें हम लोग वर्क करेंगे। आपको डेटा भी तैयार करेगा। जब हम 2001 एक्सेल खोलते हैं तो आपको एक ब्लैंक वर्कशीट आती है। ये आपका क्या है? लिखा हुआ न्यू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट। ये आपकी क्या है? वर्कशीट है। यहां से हम लोग अलग अलग चेंज कर सकते हैं। देखिए ये पूरा, ठीक है, यहां पे भी हम लोग माइक्रोसॉफ्ट को मिलेंगे अलग टेम्पलेट्स मिलेंगे। जब न्यू पे जाएंगे, हमने एक्सेल में भी न्यू पे गए, ये देखिए इसमें भी टेम्पलेट्स आपको मिल जाएंगे जैसे वर्ड में मिल रहे थे। कैसे इसमें वर्क करना है इसको मैं आपको आगे विस्तार से बताऊंगा। हम लोग इसमें चार्ट प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। सब यहाँ से एक से ज्यादा वर्कशीट हम लोग ओपन कर सकते हैं। इसी प्रकार से जब हम लोग पावर पॉइंट ओपन करते हैं, ये देखिए आपको पावर पॉइंट ओपन करके दिखाता हूँ। ये आपका पावर पॉइंट, यहाँ पे गए, न्यू पे गए, इसमें सेम वही है, टेम्पलेट इसमें पहले से बने हुए हैं। देखिए बहुत सारे टेम्पलेट्स आपको बने हुए हैं, इसमें हम कैसे वर्क करेंगे। अब पावर पॉइंट क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में 2013 आपका एक नया रूप से प्रदर्शित होता है। टेम्पलेट ऑफ फोन का उपयोग करके इसमें हम लोग सुविधा है, हम अपना प्रेजेंटेशन इसके माध्यम से प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें बहुत से कैसे प्रेजेंटेशन तैयार करेंगे, कैसे इसको अपने स्क्रीन पे दिखाई देंगे इसको मैं आपको बताऊंगा। इसमें हम कई प्रकार के थीम्स का प्रयोग कर सकते हैं जो आपकी जो प्रेजेंटेशन को है बहुत ही आकर्षक बनाता है, ठीक है। जैसे मान ली हमने ये लिया, ये देखिए ये आपके टेम्पलेट्स का उपयोग करके हम अपनी प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं, देख रहे हैं। ये जब हम इसको रन करेंगे तो इसके पास ये शो होगा, ये देखिए, ये देख रहे हैं। अब इसको ये तो मैंने टेम्पलेट्स के माध्यम से होता है, कैसे इसको हम वर्क करेंगे इसके आगे इसको चर्चा करेंगे, ठीक है। और ये आपके ऑफिस टूल्स के हम लोग अंतर्गत इसको बता रहे हैं। फिर इसमें आपको जो आपके जो ऑफिस टूल्स और भी हैं, ठीक है, जैसे गूगल डॉक्स हो गया जो आपके सिलेबस में है, लिब्रा हो गया, सेंटर सूट हो गया, WPS ऑफिस हो गया, के ऑफिस हो गया, गूगल डॉक्यूमेंट्स हो गया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस तो मैं आपको पढ़ाऊंगा ही, गूगल आपको परिचय दूंगा, गूगल डॉक्यूमेंट्स आपको मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया है, इनका यूज करके हम लोग आगे इसमें वर्क करेंगे, ओके।